हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फोर्थ वीक ऑफ नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है एट्थ वॉन्डर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। हम सब जानते हैं कि अभी तक हमारे पास सेवन वॉन्डर्स की लिस्ट अवेलेबल थी। अब इस लिस्ट में एक और प्लेस एड ऑन हो गई है एज एट्थ वॉन्डर, और इस जगह का नाम है कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट टेम्पल का नाम सिर्फ और सिर्फ एट्थ वॉन्डर में नहीं बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ ये जो प्लेस है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। सबसे बड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर के रूप में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, और अब इसे एट्थ वॉन्डर का टाइटल भी दे दिया गया है। यही हम बात करें, ये जो टेम्पल है इसे 12th सेंचुरी के अराउंड किंग सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, जो कि पहले डेडिकेटेड होता था टू हिंदू डाइटी लॉर्ड विष्णु, लेकिन उसके बाद इसे एक रिलीजियस बुद्धिस्ट साइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर जब बात हो रही थी एट्थ वॉन्डर के सिलेक्शन की, तो एक और नाम हमारे सामने था जो कि इटली से है, पोम्पोई। और इस जगह को पीछे छोड़ते हुए एट्थ वॉन्डर की टाइटल अपने नाम किया है अंकोर वाट टेम्पल ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड्स के बारे में, दैट इज़ IFFI अवार्ड्स के बारे में, जिसका 54th एडिशन इस बार कंडक्ट करवाया गया है इन गोवा। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इस अवार्ड सेरेमनी को हेल्ड किया गया, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। तो हम इन्हीं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात करें। सबसे पहले है बेस्ट फिल्म का टाइटल, जिसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है मूवी एंडलेस बॉर्डर ने बाय अब्बास अमानी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीफन्स को फॉर द मूवी ब्लागा लेसन्स, और बेस्ट एक्टर इन अ मेल कैटेगरी का अवार्ड मिला है पूरिया रहीमी को फॉर द मूवी एंडलेस बॉर्डर। इसी के साथ साथ बेस्ट एक्टर फीमेल की कैटेगरी में हमारे पास नेम है मिलानी फॉर द मूवी पार्टी ऑफ फूल्स। बेस्ट वेब सीरीज एंड OTT कैटेगरी में जो नाम सबसे ऊपर रहा, दैट वाज पंचायत सीजन 2। एंड स्पेशल ज्यूरी यानी कि सिल्वर पीकॉक अवार्ड इस बार दिया गया है मूवी कांतारा, डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। इसी के साथ साथ यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इस बार का दिया गया है फॉर द एक्टर मिशेल डॉगलस। तो ये थे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ IFFI। ये अवार्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है गोवा में पहली बार हेल्ड की गई है, जो कि 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2023 तक की गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है जम्मू कश्मीर के एक न्यू प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है इसके बारे में, जो कि है सैफरन ऑफ किश्तवाड़। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है, जहां की सैफरन को GI टैग प्रोवाइड किया गया है। तो इसी के बारे में हमने बात करनी है, जो एक माउंटेनियस रीजन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है सैफरन की क्रॉप, और इसे GI टैग दिया गया है बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। सैफरन के बारे में बात करते हैं, पॉपुलरली उस एरिया में सैफरन को कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि किश्तवाड़ एरिया की इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, जिसकी वजह से किश्तवाड़ एरिया का डेवलपमेंट होता है एक बड़े लेवल पे। तो अब उसे GI टैग मिल चुका है। GI टैग की अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है टू गेट अ पर्टिकुलर रिकॉग्निशन कि कौन सा प्रोडक्ट किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब तक इंडिया में 400 से भी ज़्यादा GI टैग्स मिल चुके हैं टू डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा GI टैग्स कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स के पास हैं, तो नाम है कर्नाटका। 2023 में सबसे ज़्यादा जो GI टैग्स दिए गए हैं वो कर्नाटका के प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर सैफरन का प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम कहते हैं मंडल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल के बारे में, जैसे कि तेलंगाना में कंस्ट्रक्ट किया गया है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल जिसे 3D आर्ट के थ्रू बनाकर तैयार किया गया है इन तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है इसका एरिया है 4,000 square feet, और जिसकी हाइट रखी गई है 35.5 feet। इस पूरे टेम्पल के 3 different पार्ट्स हैं, जो कि 3 different डेटीज को डेडिकेटेड हैं। ये जो टेम्पल है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया है 2 companies की कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें पहला नाम है हमारे पास एप्सूजा इंफ्राटेक, और दूसरा नाम है सिंपली फॉर्ज क्रिएशन, जिन दोनों ने कलेक्टिवली वर्ल्ड का पहला 3D टेम्पल बनाकर रेडी किया है, और इसके अंदर 3 months की 3D प्रिंटिंग प्रोसेस लगाई गई है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने बात करनी है नागालैंड के एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में, दैट इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हर साल इस फेस्टिवल को रखा जाता है और इस बार नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया फ्रॉम 1 December to 10 December। ये जो फेस्टिवल है वो नागालैंड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि नागालैंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है जो नागालैंड के जितने भी स्टेट सिम्बल्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय नागालैंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर। इस बार 23rd ये एडिशन मनाया गया है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का। यहीं पर अगर हम नागालैंड के और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ नाम है हमारे पास, जैसे कि सुकरूनी, बूचू जीबा, मुदसई मोंग, ये है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जो रीसेंट लॉन्चेस हुए हैं उनसे हम डील कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है हमारे पास थ्रेड बाय थ्रेड, और ये जो बुक है ये लिखी गई है ऑन द लाइफ ऑफ शंभू कुमार कासलीवाल। इस बुक के ऑथर का नाम हमें याद रखना पड़ेगा, इस बुक के ऑथर का नाम है साथ्या सरन, और इस बुक को रिलीज़ किया गया है बाय इंडियन क्रिकेटर कपिल देव। तो शंभू कुमार के बारे में जानते हैं, ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल पर्सन्स में से एक है और इनकी पूरी लाइफ जर्नी को इस बुक में शो किया गया है। बुक का नाम है थ्रेड्स बाय थ्रेड। सेकेंड नंबर पर जो बुक है हमारे पास इसका नाम है प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। ये जो बुक है वो लिखी गई है बाय द डॉटर ऑफ प्रणव मुखर्जी जिनका नाम है श्रमिष्ठा मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की डॉटर है ये। प्रणब मुखर्जी बहुत ही पॉपुलर नेम है, सब जानते हैं इनके बारे में। ये थे हमारे इंडिया के 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये इंडिया के फ्रॉम द ईयर 2012 to 2017। इनकी पूरी जर्नी एज वेल एज इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट और एज वेल एज हिज बॉन्ड विद हिज डॉटर, ये सारी चीज़ों को शो किया गया है इन दिस पर्टिकुलर बुक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने बात करनी है पीएम मोदी के एक विजिट के बारे में, दैट इज टू दुबई फॉर अ कॉन्फ्रेंस, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ऑन क्लाइमेट। एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जो हर साल कंडक्ट की जाती है ऑन द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, उसके लिए एवरी ईयर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है जिसका नाम है COP, और इस बार COP 28 हेल्ड करवाई जा रही है इन दुबई। दुबई इसे होस्ट करने वाला है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे इस पर्टिकुलर विजिट पे November 30 to 1 December, 3 दिन तक चलने वाली ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है। इसी में इंडिया की तरफ से जो रखा जाएगा सामने, दैट इज 5 टारगेट्स जिनका नाम है पंचामृत। इन पंचामृत टारगेट्स के थ्रू क्लाइमेट बिटमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। COP के अगर हम और कुछ एडिशंस की तरफ नजर डालें तो जो लास्ट एडिशन हुआ था 2022 में उसे इजिप्ट में रखा गया था। आगे आने वाला 2024 में जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है इसे होस्ट किया जाएगा बाय ईस्टर्न यूरोप ग्रुप, और 2025 में COP 30 होस्ट किया जाएगा बाय ब्राजील। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है विनय तोनसे। इन्हें अभी अपॉइंट किया गया है टिल द डेट 30 November 2025, और इन्होंने रिप्लेस किया है एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामीनाथन जनाय रमन को। और ये जो पर्सन है स्वामीनाथन, अब ये बन चुके हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो इनके डिप्टी गवर्नर बनने के बाद ये जो पोस्ट खाली हुई थी अब इस पोस्ट को दोबारा से होल्ड कर लिया है बाय विनय तोनसे। नेक्स्ट हमने बात करनी है एको के बारे में। एको ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं आर माधवन, और ये आएंगे लोगों के सामने एज अ वॉइस ऑफ कस्टमर, यानी अपनी ब्रांड वैल्यू को और इम्प्रूव करने के लिए और लोगों को ये शो करने के लिए दैट एको इज़ अ ट्रांसपेरेंट ब्रांड, उसके लिए इन्होंने आर माधवन को हायर किया है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ फिकी, और फिकी के नए प्रेजिडेंट के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है इनका नाम है अनीश शाह। तो सबसे पहले फिकी की फुल फॉर्म जानते हैं, दैट इज़ फेडरेशन ऑन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसमें नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अनीश शाह। इन्होंने सक्सीड किया है, इससे पहले ये पोस्ट हैंडल कर रहे थे शुभ्रकांत पांडे, और इनके जाने के बाद अब नई पोजीशन हासिल की है अनीश शाह ने। नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक से, जो कि डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड की गई है बाय हर्ष कुमार भनवाला। इन्होंने डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर ली है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ HDFC बैंक। यहीं पर इससे पहले ये वर्क कर चुके हैं एज अ फॉर्मर नबाद चेयरमैन, नबाद के चेयरमैन के रूप में ये वर्क कर चुके हैं। अब इन्होंने HDFC बैंक के डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड की है।
इसी के साथ साथ HDFC में एक और जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे, और जिस पर्सन को ये पोस्ट मिली है इनका नाम है वी श्रीनिवास रंगन। अगले अपॉइंटमेंट में नाम है हमारे पास सौरभ गांगुली का। एवरीवन इज अवेयर विद दिस फेस सौरभ गांगुली, और अब इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं सौरभ गांगुली। इससे पहले भी ये स्टेट ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट को इन्होंने प्रमोट किया है, अब इसके बाद वेस्ट बंगाल को ये प्रमोट करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की जो अनाउंसमेंट की गई थी दैट इज इन 7th एडिशन ऑफ BGBS दैट इज बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। इस समिट के दौरान सबको ये अनाउंस किया गया कि अब से सौरभ गांगुली बनेंगे स्टेट एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला नाम है हमारे पास बंधन बैंक की तरफ से, और बंधन बैंक में इनके MD एंड CEO जिनका नाम है चंद्रशेखर घोष, इन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है फॉर द नेक्स्ट टेन्योर। अभी जो इनका टेन्योर है वो कंप्लीट हो रहा था ऑन 9 जुलाई 2024, लेकिन इससे आगे आने वाले टेन्योर के लिए इन्हें ही दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला नाम है हमारे पास वज्र प्रहार। ये जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करवाई गई है, एक है हमारे पास इंडिया एंड सेकेंड नेम है US, दोनों के बीच में होने वाली ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइजेस है जिसमें दोनों ही कंट्रीज के स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार 2023 में इसका 14th एडिशन हेल्ड किया गया है, और इसके लिए जो वेन्यू रहा दैट इज मेघालय, मेघालय के उमरोई में इसकी जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। ये जो एक्सरसाइज है इसकी डेट्स क्या से क्या रही, स्टार्ट हुआ था ये 21st नवंबर को और कंप्लीट हो जाएगा ऑन 11th दिसंबर। इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही कंट्री के स्पेशल फोर्सेस एक दूसरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू टैकल एनी सिचुएशन। अगर हम वज्र प्रहार के पहले एडिशन के बारे में बात करें तो पहली बार इसे हेल्ड किया गया था इन ईयर 2010 इन इंडिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास ऑस्ट्रा हिंद 23। तो नाम से ही हम अच्छे से क्लेरिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में होती होगी। इट इज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दोनों के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार इसका जो वेन्यू रहा दैट इज़ पर्थ ऑस्ट्रेलिया। डेट्स है इसकी 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, जिसमें इंडिया की तरफ से टोटल 81 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया इन ऑस्ट्रेलिया। इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के दौरान आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स को सीखा जाता है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है बिटवीन टू कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल। इट इज़ ऑल्सो अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में करवाई जाती है, जिसका 17th एडिशन इस बार 2023 में करवाया गया है इन इंडिया। वेन्यू रहा इसका पिथौरागढ़ उत्तराखंड, और इसके लिए जो डेट्स रहे दैट इज 24 नवंबर to 7 दिसंबर 2023। एनुअल होने वाला ये एक इवेंट है दोनों ही नेशन के बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये अल्टरनेट तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में होता है, यानी एवरी ईयर जो इसका वेन्यू है वो अल्टरनेटिवली आगे की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा हम बात करें तो इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए नेपाल की तरफ से 334 पर्सनल्स इंडिया में आए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमने बात करनी है बुकर प्राइज़ 2023 के बारे में। लिटरेरी फील्ड में दिया जाने वाला ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्राइज़ है जो कि ऑथर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और इस बार ये जो अवार्ड दिया गया है उस इरिश ऑथर का नाम है पॉल लिंच। इन्हें ये पार्टिकुलर अवार्ड दिया गया है फॉर हिज 5th नॉवल, इनकी 5वीं नॉवल जिसका नाम था प्रॉफिट सॉन्ग। इस पार्टिकुलर नॉवल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एक फ्रिक्शन नॉवल है जैसे कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, और इस नॉवल के लिए इन्हें बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जो नॉवल है इसे पब्लिश किया गया था इन UK एंड आयरलैंड, और इरिश ऑथर ये बन चुके हैं 5th जिन्हें पार्टिकुलरली बुकर प्राइज अब तक मिल चुका है। 5वें नंबर के इरिश ऑथर हैं ये जिन्होंने अभी तक बुकर प्राइज को अपने नाम कर चुके हैं। यहीं अगर हम लास्ट बुकर प्राइज 2022 के बारे में बात करें तो बुक का नाम था हमारे पास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, जो कि लिखी थी एक श्रीलंकन ऑथर ने जिनका नाम था सरीन करुणा तालिका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमने बात करनी है डेविस कप के बारे में, और इस बार 2023 में डेविस कप को अपने नाम किया है कंट्री इटली ने। यह जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है यह टेनिस के साथ रिलेटेड है। टेनिस में होने वाला ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट
टूर्नामेंट है जो कि इस बार इटली ने अपने नाम किया है आफ्टर डिफीटिंग द टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2-0 के स्कोर के साथ। ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए डेविस कप अपने नाम किया है इटली ने एंड इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर इटली आफ्टर 1976 के बाद पहली बार डेविस कप अपने नाम करके डेविस चैंपियन बन गई है इटली की टीम। यही अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप के बारे में तो डेविस कप ये जो नाम है वो रखा गया है अमेरिका के एक पॉलिटिशियन एज वेल एज टेनिस प्लेयर के नाम पर जिनका नाम है ड्वाइट डेविस जूनियर। इनके नाम पे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को स्टार्ट किया गया था इन ईयर 1900 और तब से अब तक कॉन्टिन्यूसली ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पे हेल्ड किया जाता है एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है पीएम जनमन। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी फुल फॉर्म जानते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस पर्टिकुलर स्कीम से हम लोग नाम से ही आइडिया लगा पा रहे हैं कि ये किसके लिए होगी। ये स्कीम है फॉर ट्राइबल ग्रुप्स और वो ट्राइबल ग्रुप्स भी पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। जो भी उन्हें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन सबको कैसे पोपअप किया जाए उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं बल्कि वेरियस फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एजुकेशन हेल्थ स्किल्स ईच एंड एवरीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं वेनरेबल कैटेगरी में कितने ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से 75 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनका नाम वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में एडेड है। उनके लिए हमने टोटल 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन पर ध्यान देने के लिए स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टोटल 9 मिनिस्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसी के साथ साथ आयुष मिनिस्ट्री भी इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है। आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो होगा आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटीज का ताकि ट्राइबल पीपल की हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके और यहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो होगा ट्रेनिंग सेंटर्स का ताकि इन लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करनी है दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के अगेंस्ट में किसी भी तरह का वायलेंस हो उसे एलिमिनेट करने के लिए एक दिन डिसाइड किया जाता है दैट इज 25 नवंबर। 25 नवंबर को लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कभी भी किसी भी वुमेन के अगेंस्ट में कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। इस बार 2023 में इसका जो थीम रहा दैट इज यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। और ये जो दिन है इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था इन ईयर 1999 और इसे डिक्लेयर किया था बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट हमने बात करनी है 26 नवंबर के बारे में जिसे कि हर साल हम लोग नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मिल्क डे से क्यों मनाया जाता है बिकॉज इट इज़ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को एक लार्ज अमाउंट में इंक्रीज किया गया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। और इस ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन और इन्हीं के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल मिल्क डे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज आल्सो नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास है 26 नवंबर को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इट इज़ अ पार्टिकुलर डे जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो इस पर्टिकुलर दिन ऑन ईयर 1949 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था विच इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे जबकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था ऑन 26 जनवरी 1950। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज के बारे में। तो सबसे पहला नाम है हमारे पास मलयालम राइटर पी वालसला। ये अभी हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू द लिटरेरी फील्ड और यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में 20 नॉवल्स 300 शॉर्ट स्टोरीज बायोग्राफीज एंड ट्रैवल व्लॉग्स जैसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिसके लिए इन्हें बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है जिसमें से एक है हमारे पास जहुथाचन पुरस्कार जो कि 2021 में इन्हें दिया गया था एंड दिस पार्टिकुलर अवार्ड इज़ अ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। नेक्स्ट नेम है हमारे पास जस्टिस जज फातिमा बीवी। ये जो नेम है वो बहुत ही पॉपुलर नेम है फातिमा बीवी का। ये है इंडिया की
पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली वुमेन जो सुप्रीम कोर्ट की जज की पोजीशन तक पहुंची, इनका नाम फातिमा बीबी। इनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 85। और यही हम बात कर रहे हैं, इन्हें अवार्ड्स जो दिए हैं दैट इज़ भारतीय ज्योति अवार्ड, और इन्हें दिया गया था US इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट वीक ऑफ नवंबर। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। है एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं, जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। सो जॉइन पनेशिया ट्यूटर फॉर योर सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर।